किसी का जो इंतजार कर रहे हैं, जो घोषणा हुई थी बजट में, अभी तक उनकी वैकेंसी नहीं आई है। वो कह रहे हैं कि हमारी भर्ती की विज्ञप्ति है साथियों, इसके जनवरी का वादा किया था, लेकिन कुछ रोकने वाली बहुत है। अरे सुलझाने वाला उपेन्द्र यादव अकेला भागता है और रोकने वाले बहुत है, ये अटकी पड़ी है। फिर अटका दिया परीक्षा पैटर्न को लेकर, परीक्षा पैटर्न को लेकर, बोनस अंगों को लेकर फिर अटकी पड़ी है जैन भर्ती, लेकिन इसको सुलझाएंगे। आप चाहते हैं इसकी विज्ञप्ति जारी हो और ये बेरोजगार चाहते हैं कि फर्जीवाड़ा रुके, कानून बने। वही पीटीआई भर्ती की तो मैंने रुकवाई थी वाले जो अभ्यर्थी है, जो ये भी चाहते हैं जैन भर्ती और पीटीआई वाले चाहते कानून बने, कि कानून बने। तो साथियों आप हजारों की संख्या में, आपसे निवेदन है कि आप कानून तो सबको चाहिए ना, बारह राज्य को कोटा सबको चाहिए, तो आप नोटरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो जैन भर्ती का इंतजार करे वो अभ्यर्थी, पीटीआई भर्ती का जो इंतजार वो अभ्यर्थी, पूछिए कानून बनेगा आपका भविष्य बचेगा, बारह राज्य का कोटा समाप्त हो आपका भविष्य बचेगा, और आप पूछिए आपकी भर्ती में पद भी बढ़ेंगे और आपकी विज्ञप्ति भी जल्दी आएगी। संघर्ष तो करना पड़ेगा हम सबको मिलकर। तो 9 फरवरी को आप अधिक से अधिक संख्या में पूछिए, कानून बने, आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपकी विज्ञप्ति आए और आपके पद बढ़े। पद बढ़ेंगे केवल वो स्वीकृति के लिए मामला अटका पड़ा है, तो पीटीआई भर्ती के जो अभ्यर्थी मुझे कॉल और मैसेज करते हैं जो जैन भर्ती वाले, वो अधिक से अधिक संख्या में 9 फरवरी को सुबह 10 बजे 22 गोदाम पूछे। लैब टेक्नीशियन रेडियो 2013 भाई, टेक्निक हेल्पर हो गई, कंप्यूटर भर्ती होगी, ग्राम विकास अधिकारी पद बढ़ गए, धीरे धीरे काम हो रहे हैं, प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो रद्द कर दी गई तो उसका हो ही गया भाई, लोग कितने काम किए, प्रयोगशाला सहायक भर्ती में भूल ही गया था। अब पंचायत राज एलडीसी भर्ती का ही नंबर है, मैं खुद अधिकारियों के इनके अभ्यर्थी के साथ मिलकर आया था, पंचायती राज एलडीसी भर्ती के जो अभ्यर्थी है उनमें घनश्याम जी को मैं साथ फोन करके मैंने कहा भाई मेरे साथ चलिए, मैं चल रहा हूँ, मैं मिलकर आया। उन्होंने ये कहा कि जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन करवा देंगे, इनकी भर्ती प्रक्रिया कैलेंडर को इसको। मैंने कहा भैया अब जब विधानसभा चलेगी तो कैबिनेट की मीटिंग होगी नहीं, बोले सर्कुलेशन से करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा सर्कुलेशन का माध्यम यह होता है कि जो फाइल को एक एक मंत्री के पास ले जाके साइन अनुमोदन करवाना। तो मैंने निवेदन किया, मैंने कहा कि हम नाराज है, जब युवा सड़कों पर उतरेगा तो कांग्रेस सरकार के हालात गंभीर हो जाएंगे, क्योंकि अपना वादा क्या वो पूरा करें। मैं तो गुस्से में कह के आया हूं। तो साथियों पंचायत राज एलडीसी भर्ती मेरे दिल में भी जान में, 9 साल से आप इंतजार कर रहे हो और इस भर्ती के लिए मैंने जी जान लगाई थी, इसने उन्होंने ये कहा कि जो भी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें इसको अनुमोदन करवा देंगे, लेकिन हमने कहा कि सर्कुलेशन के माध्यम से पहले करवाइए। तो साथियों इसमें आज पुनः बात हुई है, मैं लगातार बात कर रहा हूं, आज भी बात हुई है, तो आज बात कर रहे और उन्होंने ये कहा था कि हम लोग इस पे जल्दी निर्णय ले लेंगे। तो साथियों मैं कोशिश कर रहा हूं सिर्फ सर्कुलेशन के माध्यम से इस भर्ती को अनुमोदन मिले और उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो। तो चिंता मत करिए दोस्तों, मुझे पता है 9 साल से आप इंतजार कर रहे हो, मुझे पता है कि हमें आश्वासन दिया दिसंबर का और पूरी जनवरी निकल गई, पूरी जनवरी आश्वासन पे आश्वासन ये कह रहे, लेकिन अब ज्यादा आश्वासन इनका चलने वाला नहीं है, क्योंकि आपका भाई मैदान में उतर चुका है और सरकार को पूरा नुकसान हो सकता है इस चीज का, क्योंकि युवाओं को धोखा देना सरकार के लिए अनुचित होगा, गंभीर परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जहां तक इसमें बात हुई है, उन्होंने कहा है आज भी बात हुई है, तो वो सर्कुलेशन से करवा रहे, तो अच्छी बात है, आप लोगों को सर्कुलेशन के माध्यम से इसका अनुमोदन करवा रहे तो आपको न्याय मिले। साथियों मैं जी जान से मैं इसमें लगाऊ, मैं खुद आपके अभ्यर्थियों को फोन करता हूँ, उनको बुलाता हूँ, उनके सामने बात करता हूँ, लेके जाता हूँ और वो सुनते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ भैया, पूरी मेहनत उनके सामने और वो सुनते हैं जो आपको मैं बताता हूँ, तो पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको न्याय मिले। मैं हर बहन का कई कॉल आते हैं, मैं समझता हूँ हर लोगों के, लेकिन आपको न्याय मिलेगा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आपका कैलेंडर जारी हो, जैसे और काम भी हो रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं आपके बहुत काम हो रहे हैं, भैया आपका भी होगा, आपका ही नंबर है, अब आपका ही नंबर है। जूनियर असिस्टेंट